ये वीडियो जो है वो बारिश वाले दिन की है, उस दिन अपलोड नहीं कर सकी थी तो सोचा कि आज शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज क्योंकि बारिश हो रही है कल 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा, और हमने इतने दिन से बारिश हो रही है तो हमने पकौड़े नहीं बनाए थे, और आज हस्बैंड ने बोला कि मुझे पकौड़े खाने हैं चाय के साथ, तो मैं बनाने लगी थी पकौड़े। तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे अनियन लिया है, इसको मैं स्लाइस बारीक स्लाइसेस में काट लिया है, धनिया लिया है, ग्रीन चिली ली है, बेसन लिया है, अंदाजे से डालूंगी मैं अपने। यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया है, मैं योगर्ट भी ऐड करती हूँ 1 टीस्पून और टेबलस्पून जितना भी जाएगा। और ये यहाँ पे पालक ली है, आलू भी जो है वो मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिए हैं, और यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, क्रश रेड चिली और ये साबुत धनिया जिसको मैंने हाथ से मसल लिया है थोड़ा सा। और अभी जो है मैं इन मसालों को सबको मिक्स करती हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने इसको जो है वो रेडी कर लिया, इसको मैंने 10 मिनट हो गए रेडी करके रखा था, और यहाँ पे जो है मेरा ऑयल भी गर्म हो गया है, कढ़ाई को इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे टी भी रख दिया बनने के लिए, इलायची वाली। अब हम इसमें ऐड करते हैं पकौड़े। वेट, और हुरिया को चाहिए कप केक क्योंकि हुरिया नहीं खाएगी पकौड़े, है ना? आपकी मर्जी, आप स्पून से भी डाल सकते हैं, बट मुझे स्पून से डालना नहीं अच्छा लगता, मुझे हाथ से ही डालना अच्छा। और यहाँ चाय भी अब पक रही है, उसकी मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी, वो हल्की आंच पे पकती रहेगी। और यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है चटनी को, इसमें मैंने सिर्फ धनिया, हरी मिर्च, नमक डाल के जो है वो चटनी बनाई थी उसको मैंने दही में ऐड कर दिया, और ऊपर से हल्का सा ज़ीरा स्प्रिंकल किया। ये देखिए ये मैंने निकाल लिए, और अब मैं बाकी के भी जो है फ्राई कर लेती हूँ, और फिर सब फ्राई करने के बाद मिलती हूँ। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट भी लाजमी करिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।